से अपने इस क्लास में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मिलेंगे आपको रोज 10 या 20। आज हम 10 करेंगे। वन वर्ड डिनोटिंग पर्संस, आज हम पर्संस के ऊपर करेंगे कि किस आदमी को क्या कहा जाता है। कोई दिक्कत नहीं है, बड़े इजी है यार। देखो आप वैसे घबरा रहे हो। पहला देखो एग्नोस्टिक होता है। एग्नोस्टिक, वन हु इज नॉट श्योर अबाउट गॉड्स एग्जिस्टेंस, पता है नहीं उसको कि भगवान है कि या नहीं है, ठीक है, उसको बोलते हैं एग्नोस्टिक। इग्नोबल होता है ना, इग्नोबल, उससे अग्नो याद कर लो, अग्नो, इग्नोरेंस याद कर लो, इग्नोरेंस से अग्नो मतलब उस इग्नोर है बेचारा, उसको पता है नहीं भगवान के बारे में। नेक्स्ट है अल्ट्रुइस्ट। अल्ट्रुइस्ट कौन होता है? ए लवर ऑफ मैनकाइंड, इसका सिनोनिम होता है फिलान्थ्रोपिस्ट, और इसको बोलते हैं मानवतावादी, परोपकारी, जो दूसरों को भला करता है, ठीक है, मतलब जो आदमियों से, मैनकाइंड से, मानवता से प्यार करने वाला अल्ट्रुइस्ट होता है। ट्रूथ याद कर लेंगे, ट्रूइस्ट, ट्रू को फॉलो करने वाला, ट्रूथ को, ट्रूथ तो आदमी तो है, मानवता ही तो है ट्रूथ। एमेटर, एमेटर तो उल्टा होता है प्रोफेशन का, इसका मतलब होता है शौकिया, शौकिया होता है जो अपने शौक से जो अपने काम करता है ना। वन हु डज ए थिंग फॉर प्लेजर नॉट एज प्रोफेशन, प्रोफेशन का उल्टा हो गया ना, जो सिर्फ सुख के लिए, प्लेजर के लिए काम करे। एम्बिडेक्स्ट्रस, ये हालांकि पुराना हो गया, एग्जाम में आता नहीं, कभी कभी आ जाता है, दोनों हाथों से लिखने वाला, दोनों हाथों से लिखने वाला होता है एम्बिडेक्स्ट्रस। एनार्किस्ट, एनार्किस्ट क्यों, एनार्की क्या होता है, एनकी, ए एन ए आर सी एच वाई, अराजकता होती है, अराजकता, कंप्लीट डिसऑर्डर। वन हु इज आउट टू डिस्ट्रॉय ऑल गवर्नमेंट्स पीस एंड ऑर्डर, वही हो गया अराजकता, अराजकतावादी, एनार्किस्ट। अपोस्टेट का मतलब होता है पर्सन हु हैज चेंज हिज फेथ, धर्म त्यागी होता है, धर्म त्यागी, पक्षत्यागी। आर्बिट्रेटर, ए पर्सन अपॉइंट बाय टू पार्टी टू सॉल्व ए डिस्प्यूट, झगड़े को बीच में ख़त्म करने वाला, बिचौलिया बोलते हैं इसको, बिचौलिया, मीडिएटर, बिचौलिया, मीडिएटर बोलते हैं, आर्बिट्रेटर, आर्बिट्रेरी होता है जानबूझकर बीच में पड़ने वाले को आर्बिट्रेरी बोलते हैं, आर्बिट्रेटर होता है जो बीच में पड़े और पक्ष दोनों पार्टियों की सुलह करवाए। एसेटिक क्या होता है, ये कई बार एग्जाम में आता है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। एसेटिक का मतलब होता है संन्यासी, संन्यास का जीवन जीने वाला। वन हु लीड्स एन ऑस्टियर लाइफ, ऑस्टियर का मतलब होता है सिंपल, सरल लाइफ, समाज से दूर, परिवार से दूर। नाइन्थ का देखो, नाइन्थ का तो सबको आता ही है, एथेइस्ट का मतलब होता है नास्तिक, सबको पता है, इसका उल्टा हो जाएगा थेइस्ट, इसका मतलब होता है आस्तिक, भगवान में विश्वास करने वाला और भगवान में विश्वास ना करने वाला, ये ना करने वाला, ये करने वाला। और लास्ट में बैंक्रप्ट, सबको पता है दिवालिया होता है, दिवालिया, दिवालिया घोषित, बैंक्रप्ट, बैंक से पैसे लिए, लोन नहीं चुकाया, बैंक्रप्ट हो गया, इसका सिनोनिम क्या है, इधर दे रखा है इंसॉल्वेंट, ये दे रखा है इधर, इंसॉल्वेंट का मतलब भी दिवालिया होता है, आई एन एस ओ एल वी ई एन टी, दिवालिया, आई एन एस ओ एल वी ई एन टी, इन, आई एन एस ओ एल ई एन टी, इंसॉल्वेंट, ये होता है क्रूर, मतलब बदतमीज। आज की क्लास में इतना ही करवाएंगे, बाकी कल करवाएंगे। थैंक यू।